नमस्कार। मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा युवा अमेरिका में मिले जो डंकी तरीके से यहाँ एंटर हुआ हो, यानी अवैध तरीका, गलत रास्ते से अमेरिका में पहुँचा हो। और आखिरकार मेरी तलाश ख़त्म हुई और मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो ऐसा गलत काम करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये त्रासदी ही है कि आज हरियाणा में बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से युवा बहुत हताश है। बहुत सारे ऐसे युवक मेरे संपर्क में हैं जो ये कहते हैं कि सर, अब नहीं झेला जाता, परिवार वालों की हताशा समझी जा सकती है, पढ़ाई हमने पूरी कर ली, कोचिंग की भी मेहनत रंग लाई और सिलेक्शन भी हो गया, पर फिर भी नौकरी नसीब नहीं। ख़ास तौर पर जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, जहाँ 4-5 हज़ार के लिए 15-15 लाख एप्लीकेंट होंगे, उनमें छोड़ के उन 5 हज़ार को बाकी सब तो हताश होंगे ही, और इतने सुखद सपने देखना भी कई बार घातक होता है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि सबको सरकारी नौकरी नसीब नहीं। सरकारों के पास इतना पैसा नहीं कि वो सबको सरकारी नौकरी दे सकें। उसके बाद पंजाब में तो ये बहुत पहले से है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बहुत जगह पर वहाँ के युवा जाकर अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमाकर अपने परिवारों को पाल रहे हैं। हरियाणा में ये दुखद पहलू अभी शुरू हुआ है। कितनी दुख की बात है, जिसके पास आधा किला, एक किला है, उसके पास इतने पैसे न बचत के रूप में हैं, न दौर कहीं से मिल सकते, और आखिर में वो उस ज़मीन को चलता कर देते हैं। अमेरिका पहुंचना कोई खाला जी का घर नहीं है, पर हमारी सोच ये होती है कि जाना ही है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ सबसे ज़्यादा कमाई होती हो, और मुझे लगता है यही सोच हमारी सरकारी नौकरी पाने वालों की है, और इसी सोच ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। हम नौकरी ढूंढते रहते हैं, काम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे संभावनाएं वहाँ हैं भारत में भी, लेकिन फिर भी ये सोच रखना कि बहुत सारा पैसा मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए, कम से कम मेहनत में मिल जाए, तो ही मज़ा है। खूब सारी मेहनत करके 4 पैसे कमाए भी तो क्या कमाए, और यही सोच हमें गड़बड़ कर देती है। डंकी या डंकी जिसे ये कहते हैं, बहुत खतरनाक काम है। आप YouTube और Google पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे युवाओं ने अपनी आप बीती उसमें बता रखी है। मैंने जिससे बात की है उसने बताया कि सर, ऐसी गलती भूलकर भी किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अमेरिका में आना है तो दो और तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप वेल क्वालिफाइड हों, IIM से हों, IIT से हों, इंजीनियरिंग कर रखी हो, MBA कर रखी हो, या बहुत अच्छे अंकों से कोई भी परीक्षा आपने पास कर रखी है, तो यहाँ आप किसी कंपनी में सेलेक्ट होइए और अच्छा भला पैसा कमाइए, वीज़ा भी लग जाता है उसमें। भले ही आप अमेरिका में सीधे ना आ सकें, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज का ज़माना है, आप इंडिया में नौकरी करिए, और इंडिया में जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनमें से कुछ एक को ये मौका मिलता है कि वो विदेश में जाकर कंपनी का काम करें। तो एक तो सबसे आसान तरीका तो वो है कि आप जब नौकरी कर रहे हैं उस वक्त कंपनी की तरफ से USA में आएँ, और यहाँ फिर आकर अपनी नई जॉब ढूँढ सकते हैं, अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। दूसरा, हमारे जो युवा हैं वो एजुकेशन के लिए भी आते हैं। आपने डिग्री ले रखी है
तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लीजिए जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, GRE, GMAT, TOEFL, और उसके स्कोर के बेस पर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, और उस एडमिशन के दम पर वीज़ा लेकर आप अमेरिका आइए। पढ़ते वक्त भी आपको हर हफ्ते 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, उसमें आप अच्छा खासा अपना खर्चा तो आराम से निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। पर असली बीमारी तो तब है जब ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हम मेहनत करना चाहते हैं, और ना ही हमारे बस का एग्ज़ाम पास करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? भाई मैं तो कहूँगा नहीं कि डंकी से आप USA में आए। वास्तव में डंकी से आना इतना आसान नहीं है जितना एजेंट लोग बताते हैं। मेक्सिको के थ्रू ये एंट्री करवाते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया या एरिजोना राज्य में, जहाँ पर घुसना कई खतरों से खेलकर ही किया जाता है। मेक्सिको में पहुँचने के लिए आपको 8 देशों से गुजरना पड़ेगा, और उनमें 2 तो ऐसे हैं जहाँ समझिए जीवन और मौत का सवाल है। पानामा के जंगल हैं, उन जंगलों में उनसे पहले कच्चे पहाड़ हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, बारिश आ गई तो वैसे ही काम ख़त्म है। और जब आप पानामा के जंगल से गुजरते हैं तो वो इतने विशाल काय हैं, इतने खतरनाक हैं, उसमें जंगली जीव भी हैं। आप देखना, वीडियो हैं YouTube पर अवेलेबल जिसमें लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से वहाँ पर युवाओं के कंकाल पड़े देखे। जंगली जानवर हैं, हम भूखे प्यासे वहाँ होंगे तो भाग दौड़ भी नहीं हो सकती, और वो जानवर हमला कर देते हैं या भूख से ही तड़प तड़प के मर जाते हैं, या हम रास्ता भटक गए तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके अलावा उन जंगलों में जिसे हम फरेरी कहते थे ना, इस तरह के बदमाश घूमते रहते हैं जो आपका सारा खाने पीने का सामान और पैसे, यहाँ तक कि इज्जत भी लूट लेते हैं। जंगल ही है तो फिर वहाँ जंगल राज भी है। ऐसी स्थिति में आपके पास करने को कुछ भी नहीं होता, और अगर आप सेहत से थोड़े कमज़ोर हुए तो आपके साथी ही आपको छोड़ देंगे, क्योंकि जंगल में कम से कम 1 हफ्ता आप लगातार चलेंगे तब जाकर वो जंगल क्रॉस होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो खतरनाक जीव होंगे उनकी संभावना तो बनी ही रहेगी। और फिर जो डंकी आपके साथ होते हैं, उन एजेंट्स को हम डंकी का नाम देते हैं, वो भी आपको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको यहाँ भारत में भरोसा देगा, वो आपके कहीं भी साथ नहीं होगा। काफ़ी लंबा जाल है ये, और वहाँ आपको फिर अगर मेक्सिको पहुँच भी गए तो वहाँ पर क्रॉस करना भी कोई आसान नहीं है। कई तरीके से वो क्रॉस कराते हैं, कहीं तो ग्रिल तोड़कर नीचे से धकेल धकेल के परली तरफ करते हैं, कहीं पर दीवार से कूदवाते हैं, कहीं कांटों में से, कहीं जाल लगे हुए हैं उसमें से निकालते हैं। बहुत मुसीबत भरा एंट्री है, और आप सौभाग्यशाली रहे, सब कुछ होने के बावजूद आप मेक्सिको पहुंचकर परली तरफ अमेरिका में एंटर कर भी गए तो पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, वहाँ पूछताछ के लिए आपको बिना कपड़ों के AC जेल में डाल के और इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि नानी याद आ जाती है, और फिर चलता है मुकदमा। कहने को तो ये एजेंट आपको ये भी कहेंगे कि वहाँ जमानत हो जाती है, वकील ये करवा देता है। अरे जहाँ अपना कोई भी नहीं होगा वहाँ कौन क्या कराएगा, किस बात का भरोसा? जेल होती है, और जेल के बाद अगर आप की किस्मत ठीक हुई तो आपको वापस लूट पिटने के बाद हम इंडिया भेज दिया जाता है। कम से कम 35-40 रुपए का जूता लग गया, इतना बड़ा रिस्क लिया, और आगे के लिए जीवन भर हताशा और अपराधी का ठप्पा लग गया। किसी देश में कहीं पर आप यात्रा नहीं कर सकते जब इस तरह का कलंक आपके ऊपर लग जाता है। और अगर यहाँ कहीं चूक हो गई और आप पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किसी तरह से बच गए, तो जो लोग करते हैं वो ये कि वकील के थ्रू जमानत अगर कोई आपकी दे तो
तो जमानत पर छूट आते हैं, जिसे पैरोल पर, उसके बाद अपना छोटा मोटा इधर उधर कोई गैस स्टेशन पे या किसी दुकान पे या किसी और इस पे खड़े होकर रोटी रोजी रोटी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर चलता है मुकदमा। उस मुकदमे में हम ये कहते हैं कि भारत सरकार मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे राजनीतिक शरण चाहिए। वो सरासर झूठ ही होगी, और किसी तरह से आप उस झूठ को सच साबित करने में सफल हो भी गए तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, उसके बावजूद भी सालों लग जाते हैं। तब जाकर कहीं किस्मत साथ दे तो आप यूएसए में वैध तरीके से रहने के काबिल होते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा पंगा और इतनी बड़ी रिस्क लेकर आप सोच कर देखें, भरी जवानी का कोई 25-26 साल का युवा, जिस पर माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, अपने मुंह का निवाला छोड़कर अपने बच्चों को पाला है, पढ़ाया है, उसकी फीस दी है, उसे इतना बड़ा किया है, और उस कलेजे के टुकड़े को हम यूएस भेज रहे हों और इस तरह की घटना हो जाए तो माँ बाप को यहाँ तक पता नहीं चलता कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं, और है तो कहाँ है, किस हालत में है। और ये सारे काम जब तक होते रहेंगे तब तक आप कहीं से कहीं नहीं जा सकते। कदम कदम पर आपको ये डर रहेगा, पुलिस की जहाँ भी गिरफ्त में आ गए वहीं से जेल शुरू। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी यहाँ हमारे युवा काट रहे हैं, इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप मेहनत करें, अच्छे नंबरों से पास हों, एग्ज़ाम दें और फिर यहाँ आएं, तब आने का मज़ा है। ये बात सही है कि यहाँ हुनर की कदर है, अगर आपको काम करना आता है तो यकीनन यहाँ अच्छी भली तनख्वाह मिलती है, सारी सुविधाएं हैं, पूरा रेस्पेक्ट मिलता है, पर उसके लिए संवैधानिक तरीके से आपको यहाँ आना चाहिए और तभी इज्जत मिलती है। पता ही होगा आपको 80% लोग अमेरिका के बाहर से हैं जो यहाँ पर इनकी उन्नति में सहयोग कर रहे हैं। आप भी आकर उसमें हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन गलत तरीके की सलाह मैं तो कम से कम नहीं कहूँगा ऐसा कि आप डंकी वंकी को ट्राई करें। वो बहुत ही रिस्की मामला है। 35-40 लाख रुपए कम से कम आपके हवा हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कौन कहाँ दगा दे जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बेहतर हो हम सारी चीज़ों को सोचें समझें और कोई भी निर्णय किसी तरह का लें, उसमें सारे पक्ष आप ज़रूर देख लें। हर जगह किस्मत साथ नहीं देती इंसान की, यूँ तो लोग चोरी भी करते हैं, लेकिन हम अगर पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, दुनियादारी काफ़ी सारी देख चुके हैं, उसके बावजूद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बेरोज़गारी यकीनन है और इसके घटने के चांसेस भी कम ही दिखाई देते हैं, इसलिए हमें नियत बदल लेनी चाहिए और काम करने की सोचनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार आप ये फैसला तो करें, खेती से ही जुड़ी कितनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी एक छोटी सी चीज़ को देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक सब्जी उगाकर आप मंडी में ले जाते हैं, देखिए सारा शहर आपके सब्जी के ऊपर पलता है, कोई रेडी लगाता है, कोई आढ़त करता है, कोई दुकान खोलता है, कोई घर ही घर भेज के आता है, कोई उसी सब्जी को काट कर उसको तराश कर सब्जी बना के होटल चलाने लग रहा है, कोई सब्जी बना के कोई रेस्टोरेंट चलाने लग रहा है, कोई गली गली आवाज़ लगा रहा है, कितने सारे काम हैं। आप किसी अनाज को देख लीजिए, आटा है उसको पीस रहे हैं, कोई उसकी एक तरह का प्रोडक्ट बनाता है, कोई दूसरी तरह का बनाता है, कोई चक्की की लगाए बैठा है, कोई उसकी ब्रांडिंग कर रहा है, कोई उसके नाम के ऊपर करके पब्लिसिटी और उसी को दुगने भाव में बेच रहा है। जो गेहूँ हम 15-17 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं, वो 30-35 किलो रुपए प्रति किलो के हिसाब से आटा बनाकर बेच रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि भाई डंकी वंकी का चक्कर छोड़ के अपने देश में ही कुछ ऐसा करें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती,
आप मन लगा के काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आना ही है, विदेश जाना ही है, पैसा बहुत सारा कमाना ही है, तो सही तरीके से आएँ, खूब सारी मेहनत करके आएँ या पढ़ाई लिखाई करके आएँ, तब तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज अपना देश भी किसी तरह से कम नहीं है, आजकल तो वहाँ भी खूब अच्छी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब तक ये सरकारी नौकरी का भूत सवार रहेगा तब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों चाहिए हमें सरकारी नौकरी? अब वो पेंशन वेंशन वाली बात तो सरकारों ने वैसे ही ख़त्म कर दी, उसका लोभ तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। और वही बड़े बड़े फ़ायदे थे, और तो कोई सरकारी उसमें होता नहीं है। आपने काम ही करना है तो प्राइवेट में भी कोई बुराई नहीं है, और जो चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर बहस करने का क्या फ़ायदा। मान लो सरकार ने नौकरियां दे भी दी, 10% 12% 8% को मिलेगी, बाकी सारे तो 90-92% कहाँ जाएंगे? वो तो फ्रस्ट्रेट ही होंगे। अब तो फौज की नौकरी भी इस तरह की हो गई है, 4 साल में आपको घर भेज दिया जाएगा। जो लोग खिलाड़ी बनकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं वो भी ये बात सुनिश्चित कर लें, मेडल सबको नहीं मिल सकते। गांव में किसी एक गांव में 25-30 लड़के ओलंपिक में नहीं भेजे जा सकते, सेलेक्टेड ही जाएंगे। और जो गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे उनको नौकरी मिलने की गारंटी वो भी ख़त्म हो गई है। घर में जो 4 पैसे बचे हैं उनके हम बादाम और अखरोट कूट कर दूध पी के उसमें लगा देंगे, माँ बाप की हालत वैसे ही पतली है, और उसके बाद नौकरी भी नहीं मिली और मेडल भी नहीं मिले, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। युवाओं को आज सोचने की ज़रूरत है, अपनी सोच अच्छी करें तब काम चलेगा, हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा समय अच्छा था, डिग्री करते ही नौकरियां उपलब्ध थी, और हमारे पेरेंट्स का तो और भी अच्छा था। मैंने तो सुना है कि उस वक्त BA तो क्या कोई 12वीं पास कर लेता था, FA बोला करते, उनको घर से बुला कर ले जाते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा नम्र निवेदन है, ये डंकी वंकी का चक्कर छोड़ के और अपनी मेहनत की कमाई के बारे में सोचें। भले ही आप विदेश जाएं, भले ही आप अपने देश के किसी दूसरे राज्य में जाएं, हाँ ये फैसला कर लें कि मुझे मेहनत करनी है और कमा कर खाना है। इस तरह की अगर आपकी नीयत है तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, आपकी सफलता निश्चित है। आपने मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनी, इतना अटेंशन मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।